गोरखपुर, डॉक्टर की डिग्री का अवैध व कूटरचित प्रयोग कर अवैध क्लिनिक डायग्नोस्टिक सेंटर संचालित करने के आरोप में 3 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने किया खुलासा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक गुलरिहा के नेतृत्व में मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 414/2024 धारा 420 भादवी बढ़ोतरी धारा 419 467 468 471 120 बी भादवी से संबंधित वांछित अभियुक्त ब्रिजेश लाल, ओम प्रकाश गौतम व दीपक विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 17 मई 2024 थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया कि उनके नाम की डिग्री की कूटरचना कर अवैध प्रयोग करते हुए अवैध डायग्नोस्टिक सेंटर व अल्ट्रासाउंड सेंटर खोला गया है, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना से वादी मुकदमा की डिग्री का अवैध प्रयोग कर जखनिया जनपद गाजीपुर में अवैध डायग्नोस्टिक सेंटर का संचालित होना पाया गया, जिसके संचालक ब्रिजेश लाल को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त ब्रिजेश उपरोक्त द्वारा बताया गया कि अभियुक्त को उप डॉक्टर की डिग्री 50,000 रुपयों में ओम प्रकाश गौतम द्वारा दिया गया था। उप पैसे को ओम प्रकाश गौतम द्वारा अपने क्लिनिक के मकान मालिक के लड़के के खाते में लिया गया था। जब अभियुक्त ब्रिजेश को पता चला कि उप डॉक्टर ने अपनी डिग्री का अवैध कूटरचित प्रयोग करने के संबंध में थाना गुलरिहा पर मुकदमा पंजीकृत कराया है, तब ओम प्रकाश गौतम द्वारा पुनः एक अन्य डॉक्टर के नाम की डिग्री 50,000 रुपये में अभियुक्त ब्रिजेश लाल उपरोक्त को दिया गया। उक्त रुपयों का भुगतान अभियुक्त ब्रिजेश लाल द्वारा ओम प्रकाश गौतम के क्लिनिक में काम करने वाली महिला कर्मचारी के खाते में किया गया था। अभियुक्त ओम प्रकाश गौतम द्वारा पटना से अवैध डेंटिस्ट का डिप्लोमा बनवाकर जनपद वाराणसी के जाधवपुर में आदर्श डेंटल एंड आई क्लिनिक चलाया जा रहा है। पूछताछ में उसने बताया गया कि उसे ये डिग्री जनपद वाराणसी के चौबेपुर में सहारा अस्पताल के संचालक दीपक विश्वकर्मा द्वारा 35,000 रुपये में दी गई थी। अभियुक्त दीपक विश्वकर्मा से पूछताछ की गई तो ये बात प्रकाश में आई कि अभियुक्त गण द्वारा क्लिनिक खोलने के लिए होने वाले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में किसी डॉक्टर की डिग्री का प्रयोग किया जाता है। जब से क्लिनिक डायग्नोस्टिक सेंटर खोलने की प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है, तब से इनके द्वारा इसी प्रकार का कार्य किया जा रहा है। अभियुक्त दीपक उपरोक्त द्वारा बताया गया कि उसे डॉक्टरों की डिग्री उसके अस्पताल में काम करने वाले सुहेल द्वारा दी जाती थी। सुहेल की पतारसी सुरागरी की जा रही है। अन्य डॉक्टरों की डिग्री के अवैध प्रयोग के संबंध में जांच की जा रही है। अभियुक्त दीपक विश्वकर्मा ने अन्य लोगों को भी कूटरचित डिग्री बेची है, जिसके संबंध में जांच की जा रही है। जांच के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया है कि अभियुक्तों के मोबाइल फोन में अन्य डॉक्टरों की डिग्री का प्रयोग, बातचीत की रिकॉर्डिंग व एक दूसरे के खाते में पैसे भेजने के प्रमाण भी मिले हैं। वर्तमान में जनपद वाराणसी में संचालित जीवन ज्योति क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन भी इसी प्रकार कराया गया है, जिसके संबंध में विधिक कार्यवाही की जा रही है। साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 419, 467, 468, 471, 120 बी भादवी की बढ़ोतरी की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता ब्रिजेश लाल पुत्र स्व छविनाथ लाल निवासी पदमपुर मैगर राय थाना भूतकुरा जनपद गाजीपुर ओम प्रकाश गौतम पुत्र स्व नंदलाल ग्राम दीनापुर चिरई गांव थाना सारनाथ जनपद वाराणसी दीपक विश्वकर्मा पुत्र अनिरुद्ध प्रसाद विश्वकर्मा निवासी बराई थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा उपरोक्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को 15,000 रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। गोरखपुर से ईएन दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गोरखपुर पुलिस द्वारा विगत 2 वर्षों में विशेष रूप से ऐसे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो स्वास्थ्य की सुविधाएं देने में, जो उस फील्ड में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। पहले भी इस तरह से, चाहे वो एम्बुलेंस माफिया हो, मरीज माफिया हो, ब्लड बैंक माफिया हो, उनके ऊपर काम किया गया है, उनको अरेस्ट किया गया, गैंगस्टर की कार्रवाई भी की गई है। इसी क्रम में आज एक और गैंग जो इसी फील्ड में अपराधिकृत कर रहा है, उसके 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये विशेष रूप से जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी डिग्रीज को उनकी जानकारी के बिना पैसों के लालच में उसको बेचते हैं, संचालकों के यहाँ से पैसे लेकर उनका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और जेन्युइन डॉक्टर के वहां पर मौजूद ना रहते हुए कहीं और जगह पर फर्जी रूप से उनकी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वहां पर अल्ट्रासाउंड सेंटर्स या डायग्नोस्टिक सेंटर्स चला रहे हैं। ये गैंग जनपद गोरखपुर के अलावा और भी कई जनपदों में कार्यरत है। इस गैंग के 3 मेंबर्स को अरेस्ट किया गया है, जिसका नाम ब्रिजेश लाल,
ओम प्रकाश गौतम और दीपक विश्वकर्मा, ब्रजेश लाल जो जीवन ज्योति डायग्नोस्टिक सेंटर गाजीपुर में चलाता है, इसके अलावा ओम प्रकाश जो सिमिलर आदर्श नाम का एक डायग्नोस्टिक सेंटर है वाराणसी में संचालन किया जा रहा है, और दीपक विश्वकर्मा सहारा डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से वाराणसी में इसका संचालन हो रहा है। ये तीनों जो संचालन है इस डायग्नोस्टिक सेंटर्स के, ये जिन डिग्रीज के आधार पर संचालन हो रहे हैं वो जेन्युइन डॉक्टर्स की फेक डिग्रीज को यूज करके हो रहे हैं। इस पूछताछ में और लोगों के भी नाम सामने आए हैं जो इस पूरे गैंग के संचालन में इनकी भूमिका आई है, जिनको अभी वांछित किया गया है, पुलिस लगातार उनको अरेस्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ जहां जहां ये तीनों डायग्नोस्टिक सेंटर्स संचालित हो रहे हैं वहां के अधिकारियों को भी यहां से कम्युनिकेशन भेजा जा रहा है कि किस परिस्थितियों में इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, और यदि इसमें किसी और भी व्यक्ति की संलिप्तता है तो उसकी भी जांच हो। ये पूरे गैंग को बुलरिया पुलिस द्वारा पिछले 20 दिनों से ट्रैक किया जा रहा था। जो डॉक्टर हैं, जो वादी हैं इसके, डॉक्टर राहुल नायक, उनके द्वारा गोरखपुर पुलिस ऑफिस में आकर के उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, क्योंकि मेडिकल के फील्ड से ये पूरा जो जुड़ा हुआ था तो इसको गंभीरता से लेते हुए इस गैंग को ट्रैक किया गया है, जिसके लिए मैं बुलरिया पुलिस की टीम को 15,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी घोषित। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये अपील डॉक्टर्स को और विशेष रूप से जो हॉस्पिटल के संचालक हैं उनसे ये करना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई नया हॉस्पिटल बनाते हैं या हॉस्पिटल का संचालन करते हैं, स्पेशली डायग्नोस्टिक सेंटर्स का संचालन करते हैं, तो जिस डॉक्टर्स की सेवाएं आप लेना चाहते हैं तो कृपया उनका फिजिकली वेरिफिकेशन करें, उनसे पर्सनली मिलकर उनकी डिग्री का भी सत्यापन करें। किसी भी मीडिएटर के माध्यम से, दलाल के माध्यम से या ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से डिग्री ना लें जो फेक डिग्रीज प्रोवाइड करते हों, और जो इसकी पूरी प्रक्रिया है उसके सभी नियमों का पालन करें और ये इंश्योर करें कि जिस डॉक्टर की डिग्री आपके हॉस्पिटल संचालन के लिए यूज हो रही है वो एक जेन्युइन डिग्री है और उसका कहीं भी और मिसयूज नहीं किया जा रहा। डॉक्टर्स को मेरी अपील यही रहेगी कि जब भी वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में अपनी डिग्री को देते हैं, यदि उस प्रोसेस में उनके सामने ये बात आती है कि उनके नाम से कहीं और हॉस्पिटल संचालित हो रहा है, तो तत्काल पुलिस को इन्फॉर्म करें, सीएमओ ऑफिस को इन्फॉर्म करें, ताकि इस पूरा जो प्रक्रिया है इस या जब गैंग उसमें कोई काम कर रहा है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके और उसके ऊपर कार्रवाई की जा सके। देखिए, इनकी पूछताछ में हमारे सामने जो बात आई है कि इनके पास ये डॉक्टर राहुल के अलावा 25 ऐसे लोगों की डिग्रीज का प्रावधान है जिसको ये और भी यूज करते हैं या यूज कर सकते हैं। इनके और भी गैंग मेंबर्स हैं जिनके पास से हम लोगों को जब अरेस्टिंग होगी तो उनसे और भी जानकारी मिलेगी। इस पूरे गैंग को अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा, उनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी, और जो क्राइम किए जाने से इनके द्वारा संपत्ति अर्जित की गई है उसको